Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज जबरदस्त तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली. निफ्टी करीब 250 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. आज दो पॉजिटिव खबरें आई थी. जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहा था इसराइल और गाजा के बीच में, तो वहां पर सीज फायर का ऐलान हो चुका है. तो ये एक सबसे पहले पॉजिटिव खबर थी बाजार ओपन होने से पहले. उसका असर हमें देखने को मिला, जबरदस्त गैप ऑफ ओपनिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली. दूसरी न्यूज़ ये थी कि आरबीआई ने 99,000 करोड़ गवर्नमेंट को दिए हैं. तो ये भी आने वाले समय में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट में इसको खर्च कर सकती है, तो बाजार में लिक्विडिटी आ सकती है. तो ये दूसरी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी. तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं. जो हमने कल मार्क किए थे एज ए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल, उसके बाद फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और वन वे रैली यहां से देखने को मिली. और जब आरबीआई की न्यूज़ आई तो सेकेंड हाफ जो लास्ट सेशन था ट्रेडिंग का, उसमें भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली. तो यहां पर जो लास्ट प्लानिंग की थी हमने, उसके मुताबिक तो यहां पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन जो वन वे ट्रेड था उसमें काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग के लिए आज देखने को मिली. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे कि हमने डेली चार्ट में यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ किया था कल का, अगर आपने वीडियो देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो ये तो 50% 61.8% ऐसे लेवल्स होते हैं. यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल, एक बाउंस बैक देखने को मिलता है. तो आज दो पॉजिटिव खबरें भी आई थी, उसके बाद ये ज़बरदस्त ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बनाए. अभी वीकली चार्ट खत्म हो चुका है तो एक बार वीकली चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं. ये वीकली चार्ट है निफ्टी का. निफ्टी में अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो वीकली चार्ट को जो हम हर फ्राइडे एनालिसिस करते हैं, तो 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है इसके ऊपर जब तक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तब तक ये हमें बुलिश ट्रेड मान के चले तो हम काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आप देख सकते हैं कैसे 20 EMA को सपोर्ट लेके इसने ये बाउंस बैक दिखाया. अभी RSI के साथ प्राइस एक्शन को कंपेयर करें तो यहाँ पर फिर से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा पैटर्न बन सकता है, राइजिंग डबल बॉटम पैटर्न, ये कुछ इस तरह से जब भी ये आता है तो ज़बरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिलती है, ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है. और ये अभी वीकली चार्ट में बना है. अभी कुछ दिनों पहले हमने डेली चार्ट में इसे बनते हुए देखा था. ये देखिए यहाँ पर राइजिंग डबल बॉटम पैटर्न, ये W जैसा दिखता है. उसके बाद ये ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है. और उसके पहले हमने इसको आर्ली चार्ट में आइडेंटिफाई किया था. यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में देख लूँ, ये यहाँ पर इस तरह से कुछ राइजिंग डबल बॉटम पैटर्न बना था और इसके बाद यहाँ पर ये ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है निफ्टी इंडेक्स में. तो अभी ये वीकली चार्ट में बना है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में बना है. तो यहाँ पर अगर ये लास्ट ये जो ऑल टाइम हाई लेवल है इसको अगर ब्रेक कर देता है कंफर्टेबली, तो यहाँ से गजब की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है. अभी पैटर्न तो बना है लेकिन ऊपर यहाँ पर ऑल टाइम हाई लेवल के पास हर्डल है, उसको अगर कम्प्लीटली ब्रेक करता है, सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो हमें ज़बरदस्त तेज़ी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है. तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो है. अभी डेली चार्ट में फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ करके आप देख लीजिए आने वाले लेवल 61.8% और 100% का कहां पर आता है. ये लो, ये स्विंग हाई और ये अभी जो लेटेस्ट स्विंग लो बना है इसको पकड़ के ड्रॉ करके देखिए कहाँ पर आते हैं ये लेवल्स. तो ये डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो है. चलते 60 मिनट के चार्ट में फ्राइडे के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. RSI को देखें तो अभी फिर से एक बार ये 70 और 100 के बीच में जा रहा है. आर्ली चार्ट में हमने देखा है कि कैसे यहाँ पर 70 to 100 इस जोन में आने के बाद प्राइस एक्शन में एक करेक्शन आता है. ये देखिए इस तरह से, ये बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है. लेकिन जब तक प्राइस एक्शन में ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता तब तक शॉर्ट करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि ओवरबॉट कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरबॉट, ठीक है. तो जब तक सिग्नल ना मिले प्राय ट्रेंड रिवर्सल का तब तक शॉर्ट पोजीशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है. अभी मंडे के लिए हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि 250 पॉइंट की गजब की तेज़ी है. गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले. सो हमारा मंडे के लिए होगा
breakout level around 15,201, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, और इसके ऊपर सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 15,222, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,242, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जो लास्ट आर्ली चार्ट में स्विंग हाई बना था, ये देखिए कैसे यहाँ पर काफ़ी देर इसने रेजिस्टेंस फेस किया इस लेवल के पास, तो हो सकता है ये अभी सपोर्ट का काम करे। तो इसको 15,119 को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक शॉर्ट पोजीशन ना बनाए मंडे के लिए, और इसको अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है इसके नीचे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,097, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,077, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल से मंडे के लिए। और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आर्ली चार्ट में फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को ड्रॉ करके देखिए कहाँ पर रेजिस्टेंस के हर्डल्स के लेवल आ सकते हैं। तो मंडे के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 34,706, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर सस्टेन करे तो ही बाय पोजीशन बनाए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,829, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 34,946, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो लेवल है स्विंग हाई जहाँ पर बना है, तो हो सकता है ये यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करे। तो इस लेवल के नीचे अगर आता है बैंक निफ्टी, यानी 34,292 के नीचे आता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,155, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,18, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है इंट्राडे के लिए। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, फिर से जब एक बार ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेवल को क्रॉस करे, सस्टेन करे उसके ऊपर या नीचे, तो ही अपनी पोजीशन बनाए। गैप अप गैप डाउन के लिए वेट करे, फिर से एक बार लेवल्स को हमारे ब्रेक होने दे, तभी यहाँ पर ट्रेड लेना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये लेवल्स है मंडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।